हैं कि ओशन करंट को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, बड़ी लेम लैंग्वेज में पहला फैक्टर तो समझ में आ गया होगा, कौन सा? सन, हीट, टेम्परेचर, आया ना? रुको, इसको बाद में समझेंगे, तो एक मिनट पहले एक चीज और आ जाओ। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं ओशन करंट। अब एक बार समझ लेते हैं वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ये है चंदू, ठीक, और ये है हम, ठीक। हमने चंदू को लगाया धक्का, बेटा आगे बढ़ो, चंदू ऐसे बढ़ करके फिर यहीं आ गए। हमने कहा तुम फिर यहीं आ गए, बदतमीज कहीं के। हमने फिर धक्का लगाया, फिर ही आगे बढ़ करके फिर यहाँ पे आ गए। हमने फिर आगे धक्का लगाया, फिर ही आगे बढ़ के फिर यहाँ पे आ गए, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है कि चंदू इज इंड्यूसिंग अ मूवमेंट, क्रांति है चंदू, आया है। क्यों? ये पानी है नीचे, ये पानी है, और ये पानी की टॉप लेयर है, आया ना, ठीक। ये विंड चल रही है, ये क्या है? विंड। अब हम पानी के इस बुलबुले की फोकस की बात करते हैं, जिसे हम कहेंगे ठीक हवा ने क्या करा, इस बुलबुले को धक्का दिया। जब विंड जो है इस एक पार्टिकल पर धक्का दे रही होगी, तो इसको ये ऊपर उठाएगी। फोटो देखिए आप, जो आपके सामने है। जब इसको ऊपर उठाएगी तो नीचे वाली लेयर्स इस जगह को फिल इन करना चाहेंगी, आया ना, लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे पुल कर रही है, आया ना। तो क्या होगा, ये वापस नीचे गिरेगी। जब ये नीचे गिरेगी तो क्या होगा, ये धक्का देगी जो लेयर वहां पर है, और जब उसे धक्का देगी तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा नीचे, वो लेयर नीचे जाएगी। जब वो नीचे जाएगी तो यहां पर जो लोग हैं उनको वो नीचे धक्का देगी, और जब उनको धक्का देगी तो वो फिर उनको आगे की तरफ ऊपर बढ़ा देगी। तो इस प्रकार से आपका एक पार्टिकल से उठा हुआ जो मूवमेंट है, और इस पार्टिकल को फोर्स कौन दे रहा है? विंड। वो पूरी की पूरी वेव स्टार्ट करते हैं, इसकी बस एक प्रॉब्लम है, पूछो क्या? ये खत्म तब होगी जब इसको नीचे जाने की जगह नहीं मिलेगी, जब लैंड आ जाएगी। जब लैंड आ जाएगी तो क्या होगा, इसके पास में नीचे जाने की जगह नहीं है। जैसे ही नीचे जाने की जगह नहीं होगी, तो जब बीच पे आप खड़े होते हो और सामने से लहर आती है, तो इसीलिए सफेद बुलबुले दिखते हैं, देखा है? क्यों? क्योंकि वो टकराती है। अब टकराने का नीचे वो जा नहीं सकती, तो वो पूरा एकदम व्हाइट बुलबुले आपके पैरों तक आते हैं, पीछे तक जाते हो, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वेव्स हैं, वेव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? वेव्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। जितनी तेज विंड स्पीड होगी, उतनी ही बड़ी वेव्स आने की संभावना। जितना गहरा ओशन होगा, जितना ओशन होगा, उतना अच्छा वेव आने की संभावना। लैंड आएगी, वेव्स खत्म। सुनामी क्या होती है? सुनामी कुछ नहीं होती है, सुनामी इज लार्ज वेव्स। कभी कहीं वोल्केनो आ गया, कभी कहीं अर्थक्वेक आ गया।